Welcome you all in lecture number 11 of chapter electricity. So today we are discussing about a new topic, that is heating effect of electric current. So our topic is heating effect of electric current. So basically, beta, I just recall you all the things. Until now, we discussed about series combination, parallel combination, and we discussed few questions related to them. So today's topic is heating effect of electric current. Basically, what happens, beta? Heat energy, electrical energy is get converted into heat energy. ठीक है ना? इस इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. मैं एक बार इसका रीजन बता देता हूँ. मैंने कई बार आपको ये बात बताई है. देखिए, ये आपके पास एक सेल और ये है आपके पास वायर. तो बेटा जैसे ही इस वायर को मैं सेल से कनेक्ट करता हूँ, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, इधर इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन आपके जाएंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को रास्ता दे दिया जाएगा. इलेक्ट्रॉन बार बार किसी एटम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ या किसी न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट होता है. तो उस इंटरैक्शन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस होता है. आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जाना कैसे चाहिए था, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना चाहिए था, पर इलेक्ट्रॉन एक जिग जैग पाथ फॉलो करता है. कभी इस इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर इंटरेक्ट हो गया, कभी यहाँ पर इंटरेक्ट हो गया, कभी यहाँ इंटरेक्ट हो गया. इस तरह से लगातार इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो चेंज होता रहता है. तो बार बार जब इंटरेक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस होता है, तो वो एनर्जी का लॉस होने का मतलब क्या है कि एनर्जी जो कि क्या चाहती थी, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना चाहती थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्स्टेकल्स ज्यादा होंगी उस वायर के अंदर, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो हीट एनर्जी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी. यहां से एक कॉन्सेप्ट हमें पता लगा, यानी अगर मुझे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर वगैरह बनाना है, तो ऐसे एलिमेंट्स का यूज करूं मैं जिनका, जिनके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो, ज्यादा हो, तो मुझे ज्यादा हीट एनर्जी मिलेगी. एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता लग गया, हमने उस चीज को यूज कर लिया. ठीक है ना? बेचारे इलेक्ट्रॉन को तो ज्यादा ऑब्स्टेकल्स मिल रही है, बट वी आर यूजिंग दैट थिंग इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी. कैसे पॉजिटिविटी? हम ऐसे डिवाइस जनरेट कर सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक हीटर और गीजर, जिसका यूज कर, जिसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे. कब? जब वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी. ठीक है ना? तो यहाँ पे जूल्स लो है आपका, जूल्स लो ऑफ हीटिंग. इन जूल्स साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने हमें ये बताया. वो कहते हैं कि हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर है. मैं प्रूव भी करूंगा इसको. एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. यानी जो हीट एनर्जी मिल रही है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कितनी देर तक उसमें करंट पास कराया है उस टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब हमने इन तीनों को कंबाइन कर दिया. H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इन टू टी और H इज इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी. के यहाँ पर क्या है आपका, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और के की वैल्यू हम लेते हैं 1, जूल ले 1 की, मैंने जूल ले 1 की. तो H हो जाएगा आपका बेटा आई स्क्वायर आर इन टू टी. ये फॉर्मूला आपका बना. ठीक है, हीट एनर्जी का. अब यहाँ से इसी फॉर्मूले को मैं दो तीन तरीके से और लिख सकता हूँ. वो क्या, अगर आपको ये ट्रायंगल याद हो, मैंने आपको कई बार बताया है ये वी आई आर. ठीक है ना? तो यहाँ से मैं आई की वैल्यू पुट कर सकता हूँ. पुट करूंगा तो आई की वैल्यू वी बाय आर होती है बेटा. क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. आर टी एज इट इज है, तो आर से एक पावर मर जाएगी, क्या बनेगा, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी. तो एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास ये वाला. इसी फॉर्मूले का एक और यूज किया जा सकता है कैसे, देखो एच इज इक्वल टू आई आर इंटू, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ आई आर इंटू टी. यानी मैंने इस आई को स्प्लिट कर दिया आई इंटू आई में, तो आई इंटू आर क्या हो गया, वी हो गया. ठीक है, तो ये हो जाएगा आई वी टी, या इसको वी आई टी भी हम लिख देते हैं. तो एक फॉर्मूला 1, 2 और ये 3, ये तीन फॉर्मूले हमारे बन गए. ठीक है ना? अब कभी कभी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई क्वेश्चन आपको हो जहाँ पे ये बोले कि आपके इक्विपमेंट सीरीज में कनेक्ट है, तो क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तो उस क्वेश्चन के लिए आपने किस फॉर्मूले को यूज करना है.
ठीक है ना, जहां पे आपको ये बोले कि सर्किट सीरीज में कनेक्ट है और हीट एनर्जी बताओ, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, ठीक है ना। जहां पर आपको ये बोले पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, तो वहां पर आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। जनरली किसी क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल और करंट दे रखा है, सिंपल और टाइम दे रखा है, तो फिर आप इस फॉर्मूले का यूज करके हीट एनर्जी निकालोगे, क्योंकि एनर्जी है तो यूनिट क्या रहेगी इसकी, जूल रहेगी, ठीक है ना। एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है। मैं एक बार फिर रीजन बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है किसी कंडक्टर के अंदर, तो जब अलग अलग कोलिजंस होते हैं एटम मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन के साथ, कोलिजन भी शब्द ठीक नहीं, इंटरेक्शन होते हैं, टकराता नहीं है, सिर्फ उनके इफेक्ट में अगर अपना पाथ चेंज कर लेता है, ठीक है ना, इफेक्ट में अगर अपना पाथ चेंज कर लेता है, तो जब ये पाथ चेंज होता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लूज वेस्ट होता है, तो वो जो वेस्ट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो मैं इसका प्रूफ और बता देता हूँ आपको, फिर इसको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, इरेज कर दूं इसे। चलिए देखो, तो प्रूफ में क्या है, आपको दो तीन फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो ये V is equal to W by Q, V is equal to IR, और एक है आपका I is equal to Q by T। इन फॉर्मूलेस का हम यूज करेंगे। देखिए वो क्या रहा है यहाँ पर, एनर्जी, और एनर्जी किसके इक्वलेंट होती है, वर्क डन के आप पहले भी ये चीज कर चुके हैं नाइन्थ क्लास में, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा वर्क डन। वर्क डन क्या होगा बेटा, पोटेंशियल इंटू चार्ज, ठीक है, फ्रॉम वन। ये आपका इक्वेशन वन है, ये टू है और ये है थ्री, ठीक है बेटा। अब वर्क डन इज इक्वल टू वी, चार्ज क्या है आपका, चार्ज क्या होगा, क्यू आई इंटू टी, आई इंटू टी, ये क्या, ये कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन थ्री। यानी ये क्या मीनिंग बन रहा है इसका, कि कितना वर्क डन करना पड़ा चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए। वही सर्किट डायग्राम में फिर बना रहा हूं, ये सेल था, यहाँ पर V और यहाँ पर जीरो, ये पोटेंशियल डिफरेंस था, तो इस चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक ला जाएंगे, मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, जितना वर्क डन करना पड़ा उतनी एनर्जी कंज्यूम होगी, सीधी सी बात है। तो इसीलिए वर्क डन इज इक्वल टू V इनटू Q हो गया, और चार्ज कितना है, I इनटू T, ठीक है। अब यहाँ से मैं सिर्फ ओम्स लॉ का यूज करूंगा, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR, तो मैं लिख देता हूँ IR I इनटू T, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, I स्क्वायर R इनटू T, तो ये वर्क डन किसके बराबर हो गया आपका, हीट एनर्जी के बराबर, ठीक है ना। यही फॉर्मूला हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से भी किया था, तो इस तरह से आप हीट एनर्जी निकाल सकते हैं। फॉर्मूले मैंने दो और भी बताए हैं, वो यहीं से बने हैं, कैसे, V स्क्वायर बाय R इनटू T, और एक बनाया V I इनटू T, कौन से लॉ से, इस ट्राइंगल से, ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू I R से, ठीक है ना। किया क्या भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, इस फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद चार्ज की वैल्यू पुट कर दी, क्यू क्या होता है, I इनटू T, ठीक है जी। उसके बाद वर्क डन एज इट इज आई आर, ओम्स लॉ का यूज किया, V इज इक्वल टू आई आर, और ये वैल्यू पुट कर दी, I इनटू I, बेस से में पावर एड हो जाएंगी, I स्क्वायर आर इनटू T, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कराता हूँ इनको, ठीक है। देखो ये जैसे क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपको, ये मैं इरेज कर देता हूँ, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको जो हीट एनर्जी मिल रही है ना बेटा, हीट एनर्जी मिल रही है 100 जूल, ठीक है, हीट एनर्जी मिल रही है 100 जूल, रजिस्टर आपने लगा रखा है 16 ओम का, ठीक है बेटा, रजिस्टेंस आपने लगा रखा है 16 ओम का, और ये कह रहा है यहाँ पे कि फोर पर सेकेंड, अच्छा टाइम की वैल्यू दे रखी है एक सेकेंड। आपको ये बताना है, क्या बताना है यहाँ पे बेटा आपको, कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, करंट तो दे नहीं रखा, ठीक है ना ही चार्ज दे रखा है, तो करंट की वैल्यू नहीं निकल सकती, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाय आर इनटू टी, ठीक है ना, वी निकालना है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, और हीट एनर्जी भी दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ से बेटा वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एच इंटू आर बाई टी, ये आर इधर चला गया, टी डिवाइड में आ गया, एच आर हरियाणा नहीं है, ये हीट एनर्जी और रेजिस्टेंस है। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू आर, एच कितना है बेटा 100, आर कितना है 16, और टी कितना है 1, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, यहाँ पर आ जाएगा 20, और ये हो जाएगा आपका 10 into 4 40 वोल्ट। एक चीज और मैं आपको बता दूं,
कि जो हीट एनर्जी है ना वो बेसिकली डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टेंस पर भी, हालांकि वो करंट पर भी डिपेंड करती है, टाइम पे इसलिए डिपेंड नहीं करती, मैं इसलिए नहीं कह रहा, क्योंकि क्या क्या होता है बेटा, कोई भी डिवाइस हम बनाए, चाहे हीटर बनाए चाहे गीजर बनाए, हम ये चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से हमारा काम हो जाना चाहिए, तो टाइम को तो कम ही रखेंगे, तुरंत प्रभाव का मतलब ये है, ठीक है ना। तो टाइम पे इसलिए डिपेंड नहीं करती, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमें तुरंत प्रभाव से काम चाहिए, टाइम हम कम से कम लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब करंट ज्यादा देंगे तो ज्यादा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होगी, तो हम ऐसी डिवाइस बनाते हैं जैसे मैंने शुरू में बोला था कि ज्यादा ऑब्स्टेकल्स हो तभी हीट एनर्जी ज्यादा बनेगी, तो ऑब्स्टेकल ज्यादा होने के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, और रेजिस्टेंस जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, रो एल बाय ए, लेंथ पे, एरिया पे और रेजिस्टिविटी पे। तो लेंथ बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली कॉस्ट बढ़ेगी मटेरियल की, जो इंस्ट्रूमेंट है डिवाइस की, एरिया बढ़ाएंगे तो भी उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो हम फिर क्या बढ़ाते हैं, हम बढ़ाते हैं रेजिस्टिविटी। हमें यहाँ पर बढ़ाना होगा वायर की रेजिस्टिविटी को, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको बल्ब वगैरह में, जो वहां पर हम टंगस्टन यूज करते हैं, टंगस्टन की रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है। और एक चीज और बताऊं, टंगस्टन जो है ना वो आपको हीट एनर्जी के साथ साथ लाइट एनर्जी भी देता है, ठीक है ना, ग्लो करता है ना वो, हीट एनर्जी के साथ साथ लाइट एनर्जी भी देता है, इवन 2700 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर ये गर्म हो जाए तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता, इतना ज्यादा टेम्परेचर ये बियर कर लेता है टंगस्टन, ठीक है ना। इसी तरह से नाइक्रोम भी हम यूज करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम की भी रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, हाई होती है। या फिर हम अलग अलग एलॉय यूज कर लेंगे, एलॉय की रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, हाई हाई होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करके देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।